हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी वाले स्टूडेंट्स को लेके, जाने कि एसएससी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अब सावधान हो जाइए, एसएससी स्टूडेंट्स अब अलर्ट हो जाइए, एसएससी स्टूडेंट्स अब एक्टिव मोड में आ जाइए, क्योंकि आपने अभी देखा होगा एसएससी सीएचएसएल का रिज़ल्ट ने क्या बोकाल मचाया हुआ है। एसएससी सीएचएसएल का जो रिज़ल्ट है, इन द हिस्ट्री ऑफ एसएससी सीएचएसएल जो इतना हाई कट ऑफ गया है, 157 कट ऑफ कभी भी सीएचएसएल का नहीं जाता है, और इतना हाई कट ऑफ जाने से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डीमोटिवेशन, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी इसकी जो प्रेपरेशन बंद करके कुछ गलत करने की राह पर तोर रहे हैं। बट देखिए, इस पे अब रेवोल्यूशन आएगा। अब नेक्स्ट ईयर से अगर पैटर्न इसी तरीके से रहा एसएससी सीएचएसएल का, तो कट ऑफ आपका इंक्रीज होगा ही होगा, कट ऑफ आपका इंक्रीज होगा ही होगा। बट अकॉर्डिंग टू जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं, एनालिसिस करने के बाद लगता है कि इस ईयर जो एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ ना कुछ तब्दीली या कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से कट ऑफ हायर नहीं जाएगा। क्योंकि इतना कट ऑफ अगर आप 160 तक इस ईयर पहुंच गए हो, 80 क्वेश्चंस 100 में से सही करना, वो भी प्री एग्जाम में, इसके जाने की टायर वन में, अभी तो इसका टायर टू भी लिया जाएगा, लेकिन कंपटीशन इतना हो गया है कि अगर हम अभी भी नहीं समझे तो उसके बाद हमें फिर पछताना पड़ेगा। क्योंकि इस ईयर एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी काफ़ी कम है, 1600 वैकेंसी है सीएचएसएल की, प्रीवियस तो 4500 थी। 4500 पे अगर 157 कट ऑफ जा रहा है, 157 अप्रॉक्सीमेटली 158 कट ऑफ है इस ईयर 1600 वैकेंसी पे, तो कट ऑफ इसका फिर इसी हिसाब से रहा तो 175 से कम नहीं टलेगा। इसलिए जहाँ तो इसकी मेहनत इतनी अच्छी करिए, जिस लेवल के एग्ज़ाम आए आप उसको बना पाओ, और इसका जहां तो पेपर पैटर्न अगर रेवोल्यूशन आएगा तो पेपर पैटर्न में आएगा। कट ऑफ अगर डिक्रीज तो होगा नहीं, डिक्रीज तब होगा जब पेपर पैटर्न पे चेंजेस आएंगी। अब बस प्रेपरेशन ऑफ मत करिए, प्रेपरेशन को बंद मत करिए, अपने आप को एनहांस करिए, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाइए, और अपनी जो प्रेपरेशन है उस पर यकीन रखिए। आप जरूर एक दिन सक्सेस जो हो गए, और आपको होना होगा अपने ड्रीम्स को पाने के लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने खुद के लिए आपको प्रेपरेशन करनी होगी, दिन रात मेहनत करनी होगी। आज के इस पार्ट में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।